नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकर आज एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने आया हूँ यार। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है अनाउंसमेंट करने में मुझे। तो दोस्तों यार, हमने आज से 2.5 महीने पहले एक विज़न रखा था टीम डी स्पोर्ट का, कि कैसे हम गेम को और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। ठीक है, प्लान्स बहुत बड़े थे बट वो टाइप का सपोर्ट नहीं मिला तो इनिशिएट नहीं किया। अभी भी प्लान्स है, जैसे ही हमें सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे हम बड़े से बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे खुद के दम पे। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने आया, और जो अभी हाल ही में अपने गेम में हुआ था फ्री फायर बैटल अरेना, तो उसमें तो आपको पता ही है वो ट्राई सीरीज़ थी, मतलब ट्राई कंट्री की थी वो। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तीनों कंट्री से टीम आए थे उधर। हज़ारों टीम्स थी यार, बंदे नहीं, हज़ारों टीम्स थी। उसमें से टॉप 24 टीम सिलेक्ट होने वाली थी, और फिर वो टॉप 24 टीम सिलेक्ट भी हो गई यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट था यार। और एक तो अलग सीन था यार हैकर का, मैं खुद खेला और मेरे खुद के गेम में 2 बार हैकर आया, तो हमारा चांस तो चला ही गया था यार। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं यार हैकर के बारे में, उसका तो सलूशन है ही नहीं कुछ। बहुत लोग बोल रहे हैं यार कि बहुत सारे हैकर्स ही है, तो यार सारे हैकर्स नहीं है, मैं मानता हूँ है थोड़े, बट 2% स्क्वाड्स तो ऐसे है ना जो खुद के दम पे गई है, खेल के गई है। तो यार वही आज बताने आया हूँ कि जो 24 टीम सिलेक्ट हुई है उसमें से 2 स्क्वाड में हमारे टीम डी के प्लेयर्स है भाई, टीम डी के प्लेयर्स। हाँ यार, मतलब जो ग्रुप ए में लिस्ट आई होती है, आई थी 24 टीम्स की, तो ग्रुप ए में जो पहली टीम है ओल्ड स्कूल, जो ग्रुप ए में 5th टीम है ओल्ड स्कूल, तो उसमें जो लीड कर रहे, अभी उन्होंने हाल ही में नाम चेंज किया HS आयुष, जो अपने डी आयुष है यार। मतलब ये बंदे के बारे में बोले ही क्या यार, आयुष सर के बारे में, ये इतना मैच्योर बंदा है। और उससे भी ज़्यादा भाई बंदे का गेम प्ले, मतलब टीम डी में उनको हम बुया मशीन बोलते हैं, इनसे ज़्यादा गिल्ड वॉर कोई जीता ही नहीं है। और इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी बंदे में मतलब देखा ही नहीं होगा यार। बहुत बंदे इनको स्क्रिप्टर बोलते बोलते लोकेशन हैक यूज़ करता है, हर टूर्नामेंट में जाते हैं इन्हीं का बुया रहता है। कुछ बंदे तो बोलते हैं भी, भाई आप क्यों आए हो टूर्नामेंट में, हमको ये तो जीतने दो। तो यार ऐसा बंदा अगर लीड करेगा तो रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलने वाला है यार। तो यार यही हमारे आयुष सर की टीम जो लीड कर रहे हैं वो गए, फिर जो अपने OS रवि है, जो डी देसी थोरा थे, डी रवि थे यार, मतलब ये भी बंदा यार पूरा बकचोद बंदा है यार। ये तो खेलता ही यार, मतलब ये गेम भी खेलता है साथ में साथ बकचोदी भी इसकी चालू रहती है यार। फिर अपना तीसरा बंदा जो डी निंजा है, आपने क्लास स्क्वाड में देखा ही होगा यार निंजा का, टीम डी का सेटअप स्पेशलिस्ट, तो ये भी गया यार, ये भी है उन्हीं के स्क्वाड का मेंबर। फिर चौथा बंदा वो भी अपना ही है यार। तो यार मतलब अभी ग्रुप ए में तो ये अपनी स्क्वाड है जो है ना यार, ये ओल्ड स्कूल, ये अपनी स्क्वाड है यार। आयुष सर के मतलब बोलने में यार इतनी खुशी हो रही थी ना, बात ये थी कि जब आयुष सर ने बोला कि अरे हमको मेल आ गया, हमारा हो गया सिलेक्शन, तो मैंने भी तुरंत गेम खोल के देखा, मैंने देखा मुझे तो आया नहीं यार। वो टाइम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन यार आयुष सर का सिलेक्ट होने की जो खुशी थी ना वो मेरे ना होने से ज़्यादा थी यार। मतलब क्या ही बोले यार, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था यार मैं, क्योंकि मैं हमेशा उनको बोलता था हमेशा कि है आप कुछ करोगे, आगे करोगे, आगे करोगे। और यार मतलब ये मेरा घमंड नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ यार, ये बंदा पक्का कुछ करेगा, मतलब आगे इंडिया को कुछ रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ये बंदे में ही वो कैलिबर है। फिर बात करते हैं अपनी दूसरी टीम की, जो ग्रुप सी में है, जो सोल आर्मी, तो सोल आर्मी का भी लीडर है रॉनी, जो अपना गिल्ड का है यार, फिर से डी रॉनी, जो अभी वो बंदे ने अभी नेम चेंज किया। तो यार यही है, रोनी तो प्यारा बच्चा है यार, लेकिन गेम प्ले तगड़ा है भाई, तगड़ा, मतलब क्या ही बोले। फिर रोनी के स्क्वाड में दूसरे आते हैं अपने रोशन भाई, मतलब रोशन भाई भी यार बंदे का नेचर इतना अच्छा है ना यार, बात करने का तरीका, आप मतलब पूरे फ्लैट हो जाएगा यार बंदे के इस पर, इतनी इतने तरीके से बात करता है ना यार बंदा, क्या ही बोले। फिर तीसरे बंदे जो अपने किंग भाई है गिल्ड के, यही स्क्वाड है यार। और चौथा बंदा भी जो इनका है वो भी आना चाहता है गिल्ड में, पर आप तो जानते हो यार स्पेस की क्या दिक्कत रहती है। तो यही यार, सोल आर्मी में भी अपनी बंदे टीम डी के यार, मतलब क्या ही बोले यार, खुशी हो जाती है यार जब अपने बंदे इतना परफॉर्म कर रहे हैं। और मतलब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी जो हमारे लीडर गिल्ड वॉर कराते हैं उसी का भी रहा है हमेशा से, क्योंकि हर हफ्ते गिल्ड वॉर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडियन सर्वर भी नहीं, पूरे फ्री फायर के सर्वर में कोई भी गिल्ड गिल्ड वॉर कराती ही नहीं होगी, वो भी इतने बड़े कैश प्राइजेस के साथ। फर्स्ट प्राइजेस के अलग रहते हैं, सेकंड पोजीशन के अलग रहते हैं। तो यही यार, इससे क्या होता है जब मनी मैटर रहता है तो बंदे सीरियसली खेलते हैं, गेम विन करने की कोशिश करते हैं, उससे स्क्वाड्स बन जाते हैं, बातचीत होती है बंदों में।
कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और फिर अभी हाल ही में बहुत बंदों की आईडीज भी बैन हुई और टीम डी के गिल्ड में से एक भी, मतलब एक भी बंदे का ना ही कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना आईडी बैन हुआ ना ये हुआ कुछ। तो बहुत बहुत बड़े बड़े गिल्ड्स थे, खुद को क्या क्या बोल लेते हैं यार, ऐसा है हम, वैसा है हम, ये है वो है, क्या क्या बोल लेते यार, आप तो जानते ही हो। उनमें से कितने बंदों की आईडीज बैन हुई। और इसका मेन रीज़न ये है कि हम जब भी गिल्ड में किसी को लाते हैं ना, हम उसकी आईडी वेरिफिकेशन करते हैं, उससे कोई उसका एड्रेस हो हम मांग लेते हैं, कोई भी एक आइडेंटिटी पे उस पर। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर इन फ्यूचर बंदा गलत भी निकले, कुछ गलत निकले या कुछ उसने गलत स्टेप्स उठाए, तो और अगर उसका एड्रेस हो, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार उसको ढूंढ के लाने के लिए, ठीक है, उसकी कान पकड़ के खींच के लाने के लिए। और आप लोग तो पहले से जानते हो यार, आधा हरियाणा अपने आयन भाई का है क्योंकि अपने आयन भाई पहले गैंगस्टर है बाद में गेमर होते हैं यार वो क्या ही बोले यार। और जो मैंने गिल्ड वॉर की बात की, ये हम खुद का या बढ़ाइया ये नहीं करना चाहते। अगर ये सुन के ना बाकी के जो भी गिल्ड्स है, अगर वो भी चालू करेंगे तो बहुत सही हो जाएगा यार। मतलब बहुत बहुत ऐसे गिल्ड्स है जिसके लीडर बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी अच्छी खासी इनकम है, और हफ्ते में 2000 वाली गिव अवे वाली, 2000 रुपीज़ वाली गिल्ड वॉर कराना कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो करा ही सकते हो। इससे आपकी आपकी गिल्ड में स्क्वाड बनेगी, अच्छे अच्छे बंदे निकलेंगे बाहर बन के, इंडिया को ही अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिटिव और फेयर प्लेयर मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लगा वगा के गया उधर, फेयर प्लेयर मिलेगी, फेयर टीम जाएगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, और फिर बड़े बड़े चैम्पियनशिप में जाके 12th पोजीशन तो नहीं लाएगी यार, कुछ अच्छा तो परफॉर्म कर ही लेगी। तो बस यार आज के वीडियो में यही बोलना था यार, ये अनाउंस करना था, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। बस यही आप लोगों को भी यही बोलना है कि जो भी अपने आयुष सर है, रोनी है, इनके स्क्वाड को ऑल द बेस्ट बोलो यार, इनको अच्छे से अच्छे विशेज दो ताकि ये देख के उनको मोटिवेशन मिले उनको, और वो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए टूर्नामेंट्स में जाके जो भी आगे होने वाला यार। तो यही यार, ऑल द बेस्ट भाई लोग तुम लोगों के लिए, और आप लोग भी यार ऐसे सपोर्ट करते रहना हमें, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।